अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद इकबाल रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 के मुतल्लिक। जी हाँ व्यूवर्स, सैमसंग के नए स्मार्टफोन मॉडल गैलेक्सी S8 का बेसब्री से इंतज़ार तो सबको है। इन दिनों इंटरनेट पर एक मोबाइल फ़ोन की तस्वीर गर्दिश कर रही है जिसके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि ये गैलेक्सी S8 है। मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर इब्तदाई तौर पर एक चीनी ब्लॉग में पोस्ट की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि सुनहरे रंग का इसका गैलेक्सी S8 की स्क्रीन S7 की तरह दोनों तरफ से मुड़ी हुई है, और इसका होम बटन और उसके दाएं बाएं मौजूद दीगर नेविगेशन भी इस पर मौजूद नहीं है जो इससे कबल सैमसंग के हर मॉडल पर मौजूद होते थे। सैमसंग के ज़राए के हवाले से जनूब कोरिया के जरीदे से इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस मॉडल में फिंगरप्रिंट पुश्त पर लगाया गया है और या फिर शीशे के अंदर मौजूद है। इस मॉडल में बटन हटाए जाने से इसकी स्क्रीन मजीद बड़ी और खूबसूरत नज़र आ रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि इस मॉडल में कंपनी फुल स्क्रीन मोड भी मुतारफ़ करवा रही है जो सार्फ अपनी मर्जी से एक्टिवेट कर सकता है। इससे वीडियो पूरी तरह स्क्रीन जो वीडियो है वो पूरी तरह स्क्रीन पर नज़र आ पाएगी और सैमसंग अपना ये गैलेक्सी S8 आइंदा माह मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में मुतारफ़ करवाने जा रहा है। व्यूअर्स, ये थी अब तक की एक अहम न्यूज़, टेक्नोलॉजी न्यूज़। और इस तरह की न्यूज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर अपनी जो है राय से आगाह कीजिए। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।